इधर महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच लगता है कि सियासी रिश्ते ठीक नहीं है। शरद पवार के एक बयान के बाद एनसीपी और कांग्रेस की दोस्ती टूटने की अटकलें अब काफी ज्यादा तेज हो गई। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाअघाड़ी गठबंधन सरकार में फूट पड़ने की सुर्खियां लगातार बनी हुई हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ दिन पहले खुद के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। पटोले के इस बयान पर सीएम उद्धव ठाकरे ने नाराजगी भी जताई थी। इस बीच गठबंधन के अहम सहयोगी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने जो बयान दिया है उससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अगर चाहे तो अकेले चुनाव लड़ सकती है, हम उसके इस फैसले का स्वागत करेंगे, ये उनका अधिकार है। हालांकि पवार ने नाना पटोले के बयान को महज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने वाला करार दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।